हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की रेसिपी मेरी बहुत ही हेल्दी रहेगी और बहुत ही बेनिफिट हैं इस सब्जी के। तो देखिए ये मैं आज आपके लिए ककोड़े की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थफुल है। ये सब्जी बीपी भी कंट्रोल करती है और ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है और ये बरसात के दिनों में ही मिलती है, इसलिए इस सब्जी को आप ज़रूर बनाइए और सभी को खिलाइए। छोटे बड़े सभी के लिए फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम ककोड़े लिए हैं और ये देखिए कितनी गंदगी हो रही है इनमें। इनको अच्छे से साफ़ करना मुश्किल तो है लेकिन मैं आसानी से साफ़ करके बताती हूँ। तो मैंने ये गुनगुना पानी कर लेती हूँ इस पे मैं, और इसके बाद सभी ककोड़ों को मैं इसमें डिप करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और उसके बाद 15 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको साफ़ पानी से 2-3 बार वॉश करेंगे, ये सारी धूल मिट्टी हट जाएगी। अब मैंने ये डिप कर लिए हैं तो मैं गर्म पानी है इसलिए मैंने ये बड़ा चम्मच लिया है और इसको इस तरीके से हिला डुला के बार बार हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद एक नॉर्मल पानी में साफ़ कर लेंगे। तो देखिए अब मैं आपको ये सारे निकाल के दिखाती हूँ कितने साफ़ हो गए हैं पहले से और कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी इनको हम इसके जो कांटे जैसे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी धूल मिट्टी हो जाती है, वो पहले आपने देखे ही थे। तो अब ये मेरे ककोड़े सारे साफ़ हो गए हैं लेकिन कहीं कहीं ये पत्ते के निशान या मिट्टी के निशान या बारिश में होते हैं तो उसके निशान हो जाते हैं। इनको सभी को आप ये देख के हर एक ककोड़े को देख के और निकाल देना इस तरीके से। तो देखिए मेरे ककोड़े ये साफ़ हो गए हैं सारे और मैं इनको कट करके बताती हूँ। इनके छिलके नहीं हटाने हैं, सिर्फ ये आगे और पीछे से थोड़ा सा ऐसे किस कट करके और इनको बीच में से आप चार भाग कर लो इसके इस तरीके से। अब मैं ये सारे ककोड़े को कट कर लेंगे। एक देखिए और दिखाती हूँ आपको, एक तो ये बड़े आसानी से कट हो जाते हैं, बस थोड़ा सा साफ़ करने में ध्यान रखना पड़ेगा इनका। और देखिए साफ भी बड़े आसानी से हो गए हैं। अब मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज और ये लहसुन और 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको हम सभी को बारीक कट कर लेंगे और हम इसको सरसों के तेल में बनाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, मसाले इसमें थोड़े पड़ते हैं। तो ये मैंने जीरा ऐड कर दिया है, हींग डाल दो, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है और हमने ये जो बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च वो भी इसी में डाल देते हैं और इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों ये सब्जी बरसात में होती है, इसे ज़रूर खाइए आप, बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये सब्जी सारी सब्जियों से हेल्दी है, ये इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, कैंसर को भी बचाती है और आँखों की रोशनी भी बढ़ाती है। ये सब्जी पेट की सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देती है, इसको गैस होती है या कब्ज होती है वो भी ठीक करती है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालते हैं, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी हरी मिर्च डाली है इसलिए लाल मिर्च कम डालेंगे और नमक अपना स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसको थोड़ा सा बस भून लेंगे।
और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। और हमने ये थोड़ी देर इसको इस तरीके से भून लेंगे, गैस हमने सिम कर दी है, ये देखिए इस तरीके से भून जाएगा। इसके बाद हम ये सारे ककोड़े इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको हम पलट पलट के भून लेंगे इसको। ये देखिए अब हमने ये इस तरीके से ये भून लिए हैं। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं ऐड करते क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। और अब हम इसको सिम आंच पे बनाएंगे। तो हमने ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम ये पहले हम इसको गैस ऑन करेंगे फुल पे, और उसके बाद जैसे ही ये अच्छे से खोल जाए उसके बाद सिम पूरा सिम पे काम करेंगे। और हम इसको ढक के अब पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम सिम रखेंगे। ये देखिए मेरी 50% लगभग सब्जी बन गई है। और इसको हम बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे और फिर हम इसको दोबारा ढक देंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए अब मेरी सब्ज़ी में से ये थोड़ा सा तेल हल्का सा नज़र भी आने लगा और ये नीचे तले में लगने लगी है। तो हमारी सब्ज़ी समझ लो बनके रेडी हो गई है। तो दोस्तों आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए, ये बरसात में होती है सब्ज़ी इसलिए आप ज़रूर बनाइए, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। इसमें जिसको खाज खुजली हो उसमें भी फ़ायदा होता है। एक सब्ज़ी और इसमें और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो दोस्तों एक सब्ज़ी है और मेरी समझ में तो हजारों बीमारियों को इलाज है, फुल बॉडी का इलाज है। इसमें इसको ज़रूर खाइए, ये पूरी साल सब्ज़ी नहीं मिलती है, सिर्फ बरसात में मिलती है। इसको इस सब्ज़ी को नहीं छोड़ो और इसको सभी को घर में खिलाओ। तो देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक किसी बर्तन में निकाल दूँगी। ये देखिए और आपको मैं फिर से कहूँगी एक बार आप सब्ज़ी को ज़रूर खाइए और घर में सभी को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।